आज हम हैं दलित प्रेरणा स्थल के अंदर और इस दलित प्रेरणा स्थल पर बहुत सारी पार्टियों ने राजनीति करी और आज सोशल मीडिया के माध्यम से अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस पार्क के अंदर आज बहुत तादाद के अंदर पब्लिक आई हुई है और क्यों आई है। आज 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसी संविधान को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत तादाद के अंदर लोग आए। हमारे बीच में सर हैं, आइए हम बात करते हैं। सर आपका नाम? संजीव कुमार, मैं यहीं नोएडा से रहने वाला हूँ और सभी आपके एसएम न्यूज़ के दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज 69वां गणतंत्र दिवस हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। यह हम सभी जानते हैं कि विश्व के अंदर जो हमारा लोकतंत्र है सबसे मजबूत लोकतंत्र है और हम यहाँ परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब का भी आभार व्यक्त करेंगे कि जिन्होंने ऐसा संविधान हमें दिया जिसकी वजह से आज हम इतने कानून राज में व्यवस्था में हम जी पा रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद सर। आपका नाम सर? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए आया हूँ कि एक दलित प्रेरणा स्थल है और आज जैसे कि 26 जनवरी भी है हमारी, तो दोनों चीज़ों को सेलिब्रेट करने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिल सकता, तो इसलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और काफ़ी मोटिवेट भी हो रहे हैं, काफ़ी लोग भी आए हुए हैं। तो सर आपको इस दलित प्रेरणा स्थल के बारे में किसी ने बताया था या आपको ही आज आपने एक फिक्स टाइम निकाला कि आज हम दलित प्रेरणा स्थल जाएंगे? नहीं, मैं तो यहाँ वैसे भी कभी भी आता रहता हूँ, जैसे कि 15 अगस्त पर पिछली बार आया था।